नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वो हमारा चर्चा का विषय है वाक्य। वाक्य बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम वाक्य को जाने कि वाक्य क्या है। तो जो शब्द या पद समूह भावों एवं विचारों को पूर्णता के साथ व्यक्त करें वो क्या कहलाते हैं, वाक्य कहलाते हैं। और या शब्दों से मिली हुई इकाई को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है कि शब्दों से मिली हुई इकाई को हम वाक्य कहते हैं। एक पंडित कामता प्रसाद गुरु ने परिभाषा दी, वो परिभाषा यह है कि एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। और वाक्य जो है, तो वाक्य एक अच्छे वाक्य के कुछ गुण होते हैं, उनको देख लेते हैं। वाक्य के गुण, वाक्य में तीन गुण होते हैं। पहला आपका होता है आकांक्षा, दूसरा आपका होता है योग्यता और तीसरा आपका होता है क्रम, या इसी को हम समीपता भी कहते हैं या सानिध्यता, क्रमबद्धता, कुछ भी कहें, है ना। तो ये तीन चीजें वाक्य के अंतर्गत, वाक्य के गुण के अंतर्गत आती हैं। पहला होता है आकांक्षा, दूसरा होता है योग्यता और तीसरा होता है क्रमबद्धता। तो आकांक्षा क्या है, आकांक्षा वो चीज होती है, पहले पद या वाक्य को हम जब सुन लेते हैं उसको सुनने के बाद आगे वाले वाक्य को सुनने की जो तीव्र इच्छा होती है या उत्कंठा होती है उसको हम क्या कहते हैं, आकांक्षा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कहें कि आज कॉलेज में प्रिंसिपल सर ने अनुराग को, तो अब आपको यहाँ पर अनुराग के आगे वाले शब्द को सुनने की बड़ी इच्छा होगी कि उसको उन्होंने क्या किया, क्या कहा। तो हम जब कहें कि आज कॉलेज के प्रिंसिपल सर ने अनुराग को सम्मानित किया या पुरस्कृत किया, तब जाकर के आपकी जो उत्कंठा है, जो इच्छा है, ललक है, वो शांत होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, आकांक्षा के नाम से जानते हैं। अर्थात पहले पद को सुन करके दूसरे पद को जानने की जो तीव्र इच्छा या उत्कंठा है वही हमारी आकांक्षा कहलाती है। इसके बाद दूसरा जो बिंदु है, दूसरा नंबर, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, योग्यता। योग्यता का मतलब यह है कि वाक्य में योग्यता का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब किसी वाक्य का प्रत्येक शब्द अपना पूरा एवं उपयुक्त अर्थ प्रकट करता है तो उस वाक्य में योग्यता का गुण माना जाता है। जैसे हम कहें कि किसान लाठी से खेत जोतता है, तो इसमें योग्यता नहीं है। क्यों योग्यता नहीं है, क्योंकि खेत जो है तो लाठी से नहीं जोता जा सकता है, बल्कि खेत तो हल से जोता जाता है, अर्थात इसमें योग्यता नहीं है। और अगर जो इसी वाक्य को हम कहें कि किसान हल से खेत जोतता है, तो इस वाक्य में योग्यता है, अर्थात ये वाक्य योग्य है और वाक्य है, तो वाक्य वही है जिनमें योग्यता भी निहित होती है। आकांक्षा के साथ साथ योग्यता का भी होना अनिवार्य है। अगर जो योग्यता नहीं है तो वाक्य वाक्य नहीं है। फिर इसके बाद हमारा अगला जो तीसरा बिंदु होता है वो होता है क्रम, या इसी को हम सानिध्य भी बोलते हैं, इसी को समीपता भी बोलते हैं। क्रमबद्धता जो होती है तो वो भी आवश्यक चीज है वाक्य में। कैसे
क्रमबद्धता से तात्पर्य जो है तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की समीपता से होता है और क्रम से होता है। किसी एक वाक्य को कहने के बाद एक या दो क्षण रुक करके हम आगे वाला शब्द कहें या आगे वाला वाक्य कहें, यदि एक शब्द को कहने के बाद दूसरे के कहने में अधिक समय लग गया तो समीपता नहीं रह जाती है। जैसे कि हम कहें कि जाऊंगा, फिर उसके बाद एक दो मिनट रुक जाऊं और उसके बाद बोलूं कि घर, तो इस तरह से उसका जो क्रम है उसकी जो निकटता है वो खत्म हो रही है। मतलब इतना शब्द बोलने में हमें जो समय है तो वो कम लगना चाहिए लेकिन वो ज्यादा लग रहा है, तो जिस कारण से एकाग्रता जो है तो वो भंग हो रही है। तो जहां पर जिस शब्द को सुनने से एकाग्रता भंग हो, ठीक है, उसमें मन एक चित ना हो पाए, तो वहां पर क्या होता है, समीपता नहीं होती है या सानिध्यता नहीं होती है। ये यूं कहें या किसी वाक्य को जैसे लिखें हम कि हम घर जा रहे हैं, अब इसी को हम बोल दें घर रहे जा हम, तो ये इसमें भी इसका क्रम सही नहीं है। अर्थात वाक्य में क्या होना चाहिए, उसका क्रम भी सुनिश्चित होना चाहिए कि किसके बाद किस शब्द के बाद कौन सा दूसरा शब्द प्रयोग किया जाएगा, उसको हम वाक्य कहेंगे। अगर जो ये चीज नहीं रहेगी तो वाक्य नहीं हो पाएगा। अर्थात वाक्य में कौन कौन से गुण निहित होते हैं, तीन गुण निहित होते हैं। पहला होता है आकांक्षा, दूसरा होता है योग्यता और तीसरा होता है क्रमबद्धता। जब ये तीनों चीजें मिली रहती हैं किसी भी वाक्य में तब जाकर के वो कहीं पर वाक्य हो पाता है। अर्थात वाक्य जो है तो सार्थक शब्द समूहों का की इकाई है और जो कि अपने संपूर्ण पूर्ण अर्थबोधन में क्या होता है, सहायक होता है। अर्थात जो हमारे भाव है, जो विचार है, उनको हम जब पूर्णता के साथ प्रकट करते हैं तभी वो वाक्य हो पाते हैं, अन्यथा वो वाक्य नहीं हो पाते हैं। और वाक्य जो है और शब्द या पद कहें, शब्द पद या वाक्य इत्यादि के नाम से हम इनको जानते हैं, शब्द पद वाक्य में अंतर, क्या अंतर होता है शब्द में पद में और वाक्य में। तो अधिकांश लोग शब्द और पद में बहुत भिन्नता समझते हैं, एक लंबा सा अंतर मानते हैं। वस्तुतः इनमें या इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। वर्णों के समूह से शब्द का निर्माण होता है और वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। कोई कई शब्दों या पदों को जोड़ करके क्या होता है, वाक्य बनाया जाता है या वाक्य का निर्माण किया जाता है। एक बार फिर से इस चीज को जान लें, जो वाक्य होता है सॉरी शब्द और पद, तो वस्तुतः इनमें विशेष अंतर नहीं होता है। ये जो है तो वर्गों के समूह क्या होता है, वर्गों के समूह से शब्द का निर्माण होता है और वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। और कई शब्दों या पदों को जब हम इकट्ठा कर देते हैं या मिला देते हैं तो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो है का, यह जो है मां और यह जो है ला, ठीक है, प
तो क्या हो गया, जब इनको हम जोड़ देते हैं तो कमल, ठीक है, ये एक हमारा शब्द बन गया। तो शब्द काहे से मिलकर के बना, वर्णों से, वर्णों से मिली हुई इकाई क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है। और जब किसी को हम उसमें किसमें समूह में समूह से उसी को जब हम क्या करते हैं, वाक्य में प्रयुक्त करते हैं, जैसे कोई भी वाक्य हो गया, ठीक है, जैसे हम घर जा रहे हैं या हम कमल तोड़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम वाक्य में उस शब्द को ला करके रखते हैं या मिलाते हैं, तो ये चीज क्या कहलाती है, हमारा पद कहलाता है। और जो पूरा एक सेंटेंस बनता है, ठीक है, मतलब पूरी लाइन को जब हम पढ़ते हैं तो पूरी लाइन हमारी क्या कहलाती है, वाक्य कहलाती है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं वाक्य के अंग। तो वाक्य के जो अंग होते हैं वो दो ठो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक आपका क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है, उद्देश्य, और दूसरा क्या कहलाता है, विधेय। इसको हम उद्देश्य को भी क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, और विधेय को हम क्या बोलते हैं, क्रिया के नाम से जानते हैं, क्रिया बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे वाक्य के क्या होते हैं, अंग होते हैं। अब ये होते क्या है, उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, तो थोड़ा सा जाने, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। कर्ता ही वाक्य में मुख्य होता है और उसी के विषय में जो भी कहा जाता है तो कहा जाता है। अतः कर्ता और उद्देश्य ये दोनों एक होते हैं, इन दोनों में कोई असमानता नहीं है, कोई अंतर नहीं है। और अब दूसरी चीज हमारी क्या है, विधेय है। तो विधेय क्या होता है, वाक्य में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ भी कहा जाता है, ठीक है, वो चीज क्या कहलाती है, विधेय कहलाती है। और क्रिया और विधेय दोनों एक ही होते हैं, अलग नहीं होते हैं, है ना, इनमें भी कोई असमानता नहीं है। अर्थात क्रिया ही हमारी क्या है, विधेय है, और कर्ता हमारा क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो ये हमारे वाक्य के क्या हो गए, अंग हो गए। फिर इसके बाद अब आता है वाक्य के भेद, ठीक है, या वाक्य के प्रकार, ठीक है। तो वाक्य के जो प्रकार है, वाक्य के प्रकार, ठीक है, तो वाक्य के प्रकार, वाक्य जो है तो सामान्यतः दो तरह के होते हैं, एक रचना की दृष्टि से, एक अर्थ की दृष्टि से, और वैसे एक और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वाच्य या कथन की दृष्टि से। तो कुल मिलाकर के तीन तरह के हो गए, कौन कौन से, एक रचना की दृष्टि से, पहला कौन सा हो गया आपका, रचना की दृष्टि से, और दूसरा हमारा क्या हो गया, अर्थ की दृष्टि से, अर्थ या भाव की दृष्टि से। ये इनको तो इनसे सभी लोग परिचित होंगे, लेकिन एक और भी होता है, तीसरा भी, जिसे हम क्या कहते हैं, वाच्य या कथन। तीसरे को क्या कहते हैं, वाच्य या कथन की दृष्टि से। तो इस तरह से हमारे वाक्य के कितने प्रकार हो गए, तीन। पहला क्या हो गया, रचना की दृष्टि से,
दूसरा अर्थ या भाव की दृष्टि से, तीसरा क्या हो गया वाच या कथन की दृष्टि से। तो सर्वप्रथम हम रचना की दृष्टि से वाक्यों पर चर्चा करते हैं। तो रचना की दृष्टि से जो वाक्य है हमारे कितने तरह से होते हैं, इनकी जो संख्या होती है तो ये तीन तरह के होते हैं। इनकी जो संख्या होती है अर्थ या भाव की दृष्टि से ये हमारे आठ तरह के होते हैं, ठीक है। और वाच या कथन की दृष्टि से हमारे दो तरह के वाक्य होते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले रचना की दृष्टि में आते हैं। काय की दृष्टि से चलते हैं, रचना की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि में जो हमारा सर्वप्रथम पहला आता है जिसको हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य, सरल वाक्य, या इसी को हम क्या कहते हैं साधारण वाक्य के नाम से भी जानते हैं। तो सरल वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है, एक ही क्रिया और एक ही उसका कर्ता या उद्देश्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, क्या है, जिसमें एक ही क्रिया हो और एक ही कर्ता हो, अर्थात एक ही हमारा उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, उसको हम क्या कहते हैं सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि मोहन पढ़ता है, तो अब मोहन पढ़ता है वाक्य है। इस वाक्य में अगर जो आपसे कोई पूछता है कि कौन सा उद्देश्य है और कौन सा विधेय है, तो आप क्या बताएंगे, हमने बताया कि कर्ता को ही हम क्या बोलते हैं उद्देश्य बोलते हैं, तो कर्ता हमारा क्या है मोहन है, तो मोहन हमारा क्या हो गया ये उद्देश्य हो गया, और क्रिया जो हमारा है वो क्या है पढ़ने की है, तो ये क्या हो गया हमारा विधेय हो गया, तो अर्थात ये पढ़ता विधेय है और ये मोहन उद्देश्य है, ठीक है। और इसमें एक ही क्रिया है एक ही करता है, इस कारण से यह क्या है सरल वाक्य भी है, इसीलिए इसको सरल वाक्य कहते हैं क्योंकि ये सरल है, ठीक है। और इसके बाद हम इसी में रचना की ही दृष्टि से जो अगला वाक्य होता है जिसे हम क्या कहते हैं मिश्र वाक्य, क्या कहते हैं दूसरा मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य पर चलते हैं। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, देखिए जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य हो अथवा दूसरा उसका आश्रित, उसी पर आश्रित एक ही साधारण वाक्य रहे और उसी साधारण वाक्य में पर एक कोई उपवाक्य हो लेकिन वो उस पर आश्रित हो, उसके बिना वो अपना अर्थ पूर्णता के साथ प्रकट ना कर पाता हो, तो क्या है जो उपवाक्य वो होता है जो मेन वाक्य पर या मुख्य वाक्य पर क्या होता है आश्रित होता है। तो क्या कहते हैं कि जिसमें मिश्र वाक्य में क्या होता है, जिसमें एक साधारण वाक्य रहता है और उसका एक क्या होता है आश्रित वाक्य होता है जिसे उपवाक्य कहते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें दो क्रियाएं रहती हैं, जैसे कि एक उदाहरण बता रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि वह विद्वान बने, क्या मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं एक वाक्य हो गया, ठीक है, लेकिन क्या चाहता हूं कि वह विद्वान बने, ये उस पर आश्रित वाक्य है, यही हमारी आकांक्षा
इसमें इस वाक्य में क्या है, आकांक्षा निहित है। आप देख रहे हैं कैसे निहित है, क्योंकि ये एक वाक्य हो गया, ठीक है। आकांक्षा जो वाक्य का गुण होता है वो कहां देखने को मिलती है, मिश्र वाक्यों से शुरू हो जाती है, मिलने लगती है। तो आप देखिए क्या कहते हैं कि मैं चाहता हूं, एक साधारण सा वाक्य हो गया, ठीक है, और मैं चाहता हूं इतना बोल करके रुक जाता हूं, तो आगे वाले वाक्य को सुनने की जो इच्छा होती है वो भी तीव्र हो जाती है, बलवंती हो जाती है, ठीक है। बिना उसको सुने हमारी ललक जो है प्यास वो नहीं बुझ रही है, ठीक है। तो जब हम आगे वाला उस पर जो आश्रित वाक्य है उसको बोल देते हैं तो हमारी उत्कंठा शांत हो जाती है। तो क्या चाहता हूं कि वह विद्वान बने, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। अब इसके बाद एक और होता है, इसमें रचना की दृष्टि में तीसरा नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की जो परिभाषा होती है तो क्या होती है कि जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य हो तथा वो संयोजक अवयवों से जुड़े हुए हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऐसा वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य हो और वो क्या हो, किसी न किसी संयोजक के साथ उसमें जुड़े हुए हो। जैसे हम कहें कि तुम वही हो, एक ये भी प्रधान वाक्य है, जो कल मिले थे। तो यहां पर जो शब्द क्या है, संयोजक है, दोनों को जोड़ रहा है। और फिर इसके बाद कहें परंतु फिर से बिछड़ गए, तो ये परंतु भी क्या कर रहा है, उसको भी जोड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। या अन्य उदाहरण देख लें, मुझे फल खरीदने थे इसलिए बाजार जाना पड़ा, मुझे ये छोटा सा है, मुझे फल खरीदने थे इसलिए बाजार जाना पड़ा। ठीक, इसमें प्रधान वाक्य है ना, एक से अधिक प्रधान वाक्य है, दोनों ही चीजें प्रधान है, एक तो फल का खरीदना और दूसरा मार्केट में या मार्केट का जाना। तो अब ये जुड़ कैसे रहे हैं, किसी न किसी संयोजक शब्द से, इंग्लिश में इनको कंजक्शन कहते हैं। तो जैसे यहां पर इसलिए जो शब्द है, इसलिए क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है आपस में। तो जहां पर दो प्रधान वाक्यों को या एक से अधिक प्रधान वाक्यों को कोई संयोजक उसको जोड़ता है, वहां पर क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। इसके बाद हम वाक्य के जो प्रकार थे उसी के दूसरे में चलते हैं। ये तो रचना की दृष्टि से था, अब हमारा भाव या अर्थ की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से ये दूसरा था भेद में, प्रकार में। अब इसके भेद हम देखते हैं, तो इसके जो भेद है तो कितनी इनकी संख्या है, आठ है। कितनी है, आठ है। पहला जो है आपका वो क्या है, विधिवाचक। क्या है, विधिवाचक वाक्य। अब विधिवाचक वाक्य क्या होता है, जब किसी वाक्य से किसी बात का या
कोई कार्य होने कार्य के होने की बात हो उसे हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसा वाक्य जिससे किसी कार्य के होने की बात होती हो उसे हम क्या कहते हैं, विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम खा रहा है, सॉरी, जैसे कि राम खा चुका है, मोहन पढ़ चुका है ना। ऐसा वाक्य जिस वाक्य से किसी के कार्य कोई भी कार्य के होने की बात कही जाए उसमें कि वो हो चुका है उसे हम क्या कहते हैं, विधिवाचक वाक्य कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा सुने, जिस वाक्य से किसी बात या कार्य के होने की बात हो उसे हम क्या कहते हैं, विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि राम खा चुका है ना, या मोहन पढ़ चुका है। इसके बाद अगला जो हमारा आता है सेकंड नंबर, वो होता है आज्ञावाचक। क्या होता है, आज्ञावाचक वाक्य। ये दूसरा आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है, जिससे किसी आज्ञा का, ऐसा वाक्य जिस वाक्य से किसी आज्ञा का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम पुस्तक पढ़ो, तुम घर जाओ, इत्यादि तरह की बातें या शब्द जहां पर आपके कानों में सुनाई देते हैं तो वहां पर क्या होता है, आज्ञावाचक वाक्य होता है। फिर इसके बाद अगला होता है निषेधवाचक। तीसरा नंबर निषेध वाचक वाक्य। तो निषेध वाचक वाक्य क्या है, ऐसा वाक्य जिस वाक्य में निषेधात्मक अर्थ की प्रतीति हो उसे हम क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जिस मतलब नकारात्मक चीजों का जिसमें बोध होता है, जैसे कि हम कहें कि मोहन नहीं आया, श्याम ने खाना नहीं खाया, या राम नहीं गया, इत्यादि शब्द जहां पर नेगेटिव टाइप की बातें हो, नकारात्मक नहीं शब्द इसकी प्रमुख विशेषता है, अर्थात जहां पर ना नहीं इत्यादि शब्द लगे होते हैं वहां पर क्या होता है, निषेधात्मक वाक्य होता है। इसके बाद जो अगला होता है हमारा चौथा नंबर, वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है, ऐसा वाक्य जहां पर प्रश्न पूछे जाने या किए जाने का बोध होता है, ऐसे वाक्य जहां पर प्रश्न पूछे जाने या किए जाने का बोध होता है वहां पर क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। या जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं वो मैनेजमेंट में पढ़े होंगे कि वाणिज्य एवं प्रबंध में कि एक व्यक्ति है वो कहता है कि हमारे पास 6 नौकर हैं, 6 सर्वेंट, जिनके नाम है क्या, क्यों, कैसे, कहां, कौन, इत्यादि। तो जहां पर कहने का मतलब यह है कि ये उसके 6 नौकर ही पूरे प्रश्नों को उत्पन्न करते हैं। आप देखेंगे जहां पर ये 6 शब्द लगे रहेंगे वहां पर जरूर कोई ना कोई प्रश्न रहेगा। जैसे तुम कहां जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, तुम कब जाओगे, है ना। तो जहां ये शब्द लगे रहेंगे या रहेंगे वहां पर प्रश्न, आप ये समझिए कि प्रश्न पूछा जा रहा है या प्रश्न हमसे किया जा रहा है, तो वहां प्रश्नवाचक होता है। इसके बाद जो पांचवा नंबर होता है वो होता है संदेहवाचक वाक्य। क्या होता है,
संदेह वाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य क्या है? जिस वाक्य में कोई संदेह प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य हम कहते हैं। जैसे आप साकेत एक रचना है, जब इसको पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि भ्रांतिमान अलंकार जहां पर होता है, ठीक है, जैसे क्या कहें कि नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा सुख हुआ मौन है, सोचता है यह अन्य सुख और कौन है। मतलब उसको जो लक्ष्मण जी की पत्नी है जिनका नाम उर्मिला है, तो उनकी नाक जो है तो कैसी है, नोकीली है, और सुए की नाक भी क्या है, नोकीली है, ठीक है। तो जब वो मुस्कुराती हैं तो उनके दांत जो हैं तो चमकते हैं, वो भी क्या करता है कि जब दाढ़ी में एक फल होता है उसको जब चुभता है, ठीक है, तो उसकी भी चमक होती है। इत्यादि क्रियाकलापों के द्वारा यहाँ पर जो उनके घर में पहले से सुआ रहता है उसको भ्रम हो जाता है कि अब इस घर में एक नया सुआ आ गया है, नया तोता आ गया है जो कि चलता फिरता है और कार्य भी करता है। तो अब जो है तो मेरा जो मान सम्मान अभी तक हुआ करता था अब वो कम हो जाएगा, उसको ऐसा संदेह होने लगा, उसको ऐसी भ्रांति होने लगी। तो जहां पर या जिस वाक्य को सुनने से आपको भ्रांति लगे या संदेह प्रकट हो वहां पर क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे हम कहें मतलब बात इस अगर दूसरी बात यह भी जाने कि इस ऐसे वाक्यों में बात क्लियर नहीं होती है, संभवतः में बात की जाती है। जैसे हम कहें कि राम पढ़ चुका होगा, अभी कोई गारंटी नहीं है कि पढ़ चुका होगा, ठीक है, परहेप्स में है, शायद में ये बातें रहती हैं। तो जहां पर ऐसी चीजें या ऐसे वाक्यों का प्रयोग मिले तो आप समझिए कि वहां पर संदेहात्मक वाक्य का प्रयोग किया गया है। इसके बाद ये पांच हो गए, तीन और बचे हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। वो तीन है, एक है संकेत वाचक वाक्य, छठवां संकेत वाचक वाक्य। संकेत वाचक क्या होता है, जिस वाक्य से संभावना व्यक्त हो उसे हम संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस वाक्य से किसी भी तरह की संभावना प्रकट होती हो तो वहां पर क्या होता है, संकेत वाचक वाक्य होता है। जैसे जो जो कलम मेज पर है, क्या, जैसे लिखें जो कलम मेज पर है वह मेरी है, तो यहां पर उस कलम के बारे में, ठीक है, ये एक संकेत किया जा रहा है, ठीक है, कि जो मेज पर चीज रखी हुई है या जो कलम मेज पर रखी हुई है वो किसी और की नहीं है बल्कि किसकी है, मेरी है। अर्थात उस कलम मेज पर रखी हुई कलम की तरह संकेत किया जा रहा है, ठीक है। तो
तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। फिर इसके बाद अगला जो सातवां वाक्य होता है, ठीक है, वो हमारा होता है विस्मयवाचक वाक्य। क्या होता है? विस्मयवाचक वाक्य। ये विस्मयवाचक क्या होता है? जहां पर आप देखे होंगे, पढ़ते भी होंगे कि एक अद्भुत रस होता है, तो जहां पर दृश्य अद्भुत टाइप का होता है, ऐसा जहां जो कि आप पहले नहीं देखे रहते हैं, विकृत वेशभूषा, तो इन तमाम उसके लिए आश्चर्य आपके हृदय में उत्पन्न होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? विस्मय कहते हैं या आश्चर्य कहते हैं, या यूं कहें कि जिस वाक्य से शोक, हर्ष, आश्चर्य इत्यादि चीजें प्रकट हों, उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें जो होता है तो कुछ गिने चुने शब्द हैं और उन्हीं का प्रयोग होता है, जैसे अरे, हाय इत्यादि शब्द हैं, तो इनका प्रयोग होता है। जैसे हम कहें हाय मैं मर गया, या यूं कहें कि अरे तुम आ गए, आह कितना सुहाना दृश्य, इत्यादि शब्दों का जहां पर प्रयोग रहता है वहां पर आपको समझना चाहिए, जहां पर हाय अरे आह शब्दों का प्रयोग मिले तो समझ जाना कि वहां पर क्या है? विस्मयादि वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर इसके बाद जो लास्ट नंबर हमारा बचता है अंतिम इस अर्थ की दृष्टि वाले वाक्य में, वो कहलाता है इच्छावाचक वाक्य। क्या कहलाता है? इच्छावाचक वाक्य। ये इच्छावाचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में या जहां पर या जिस वाक्य से किसी भी प्रकार की इच्छा या शुभ कामना प्रकट की गई हो, वहां पर इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे कि कहें तुम सदा सुखी रहो, ईश्वर आपका कल्याण करे, आपकी यात्रा मंगलमय हो, इत्यादि तरह के शब्द जहां पर प्रयुक्त हो, वहां पर आपको समझना चाहिए कि यहां पर इच्छावाचक शब्दों का या इच्छा बोधक शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारे जो है तो वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद थे, आठ भेद होते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, पहले वाले का जो नाम है विधिवाचक, दूसरे वाले का आज्ञावाचक, तीसरे वाले का निषेधवाचक, चौथे का नाम है प्रश्नवाचक, पांचवें का नाम है संदेहवाचक, छठवें का नाम है संकेतवाचक, और सातवें का नाम है विस्मयवाचक, तथा लास्ट वाले का नाम है इच्छावाचक वाक्य। तो इस तरह से आठ वाक्य होते हैं, किसमें? अर्थ की दृष्टि में। और रचना की दृष्टि में हमारे तीन तरह के वाक्य थे, पहला था सरल वाक्य, दूसरा था मिश्र वाक्य, और तीसरा था संयुक्त वाक्य। अब हम वाच्य के अनुसार देखेंगे, वाच्य के अनुसार जो वाक्य के प्रकार थे, तो वाच्य के अनुसार वाक्य के प्रकार, वाक्य के अनुसार वाक्य के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है कृतवाच्य, कृत
वाच्य, एकीकृत वाच्य क्या होता है जानिए इसको थोड़ा सा। जिस वाक्य का कर्ता स्वयं क्रिया का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, कृतवाच्य वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य का कर्ता स्वयं क्रिया का काम करता है उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, है ना, इसमें कर्ता प्रधान होता है। यहां पर जैसे राम कर्ता है जो पढ़ने की क्रिया कर रहा है, पढ़ने का काम स्वयं कर रहा है, अर्थात जिसमें कर्ता, हमने क्या कहा कि जिस वाक्य का कर्ता स्वयं क्रिया का काम करता है वहां पर क्या होता है, कृतवाच्य वाक्य होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है तो यहां पर राम स्वयं काम कर रहा है, ठीक है। फिर इसी में दूसरा जो है वो क्या है, पहला तो हो गया कृतवाच्य, दूसरा क्या हो गया कर्मवाच्य, क्या हो गया कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य का कर्ता स्वयं क्रिया का कार्य नहीं करता है, जिस वाक्य, देखिए ठीक उसी का उल्टा है, जिस वाक्य का कर्ता स्वयं क्रिया का काम नहीं करता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें कर्म की प्रधानता होती है, क्या होती है, कर्म की प्रधानता। जैसे पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी गई, ठीक है, किसके द्वारा, राम के द्वारा पढ़ी गई पुस्तक। अब इसी तरह से अगला जो हमारा क्या था, वाच्य या कथन। तो अब कथन की दृष्टि से हम देख लेते हैं, परोच और अपरोच होते हैं, है ना, काय के अनुसार, कथन के अनुसार। कथन के अनुसार वाक्य के प्रकार को, कथन के अनुसार दो होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है हमारा प्रत्यक्ष, पर पहला होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है परोच। तो प्रत्यक्ष कथन और परोच कथन, दूसरा परोच कथन, ये दो। तो प्रत्यक्ष कथन को हम जान ले, क्या होता है, जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में, हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं या प्रयोग में लाते हैं तो उसे हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। पुराने जमाने में ये कार्य जो होता था तो संबदिया का होता था, संबदिया हूबहू जिस तरह से आप बात किए हो, संबदिया बनना साधारण चीज नहीं है, एक विशेष कला हुआ करती थी पहले के जमाने में, क्योंकि जहां पर आप रोए हो, जहां पर आप हंसे हो, जैसा आपका हाव भाव था बिल्कुल उसी हाव भाव के साथ आपकी बात आप ही के शब्दों में दूसरे जगह पर प्रकट करेगा, वही संबदिया, ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष कथन वाली बात करने वाला व्यक्ति क्या होता था, संबदिया होता था, ठीक है। और तो एक बार फिर से सुने, परिभाषा क्या कहती है कि जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में प्रयुक्त किया जाता है तो वहां पर क्या होता है, प्रत्यक्ष कथन होता है। जैसे उसने कहा, आप यहां पर जैसे कोई परिभाषा आप लिखते हैं किसी लेखक की, जैसे मान लीजिए
अभी अभी हमने कहा बाकी ही जब पढ़ा रहे थे तो क्या कहा कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। तो अब अनुसार के आगे जो चीज हम बोलेंगे वो हमारा क्या होगा, प्रत्यक्ष कथन के अंतर्गत आएगा। तो अब इसमें हम कोई भी किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकते हैं, अर्थात इसमें डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में डबल इन्वर्टेड कामा को दोहरा उद्धरण चिन्ह के नाम से संबोधित करते हैं, ठीक है। क्या परिभाषा क्या कही थी कि एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द या शब्द समूह वाक्य कहलाता है, ये कामता प्रसाद गुरु बोले। अब इसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर जो होगा तो किसी और के अनुसार हो जाएगा, उनके अनुसार नहीं। तो जहां पर किसी भी बात को हम डायरेक्ट मतलब उसी तौर पर कहते हैं जिस तौर पर वो बात थी, तो वहां पर प्रत्यक्ष कथन होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगला जो कथन होता है परोक्ष कथन। तो परोक्ष कथन क्या है, जिस वाक्य में वक्ता के शब्दों की क्या होती है, पुनरावृत्ति ना करके ऐसा कथन जिसमें वक्ता के कथनों की पुनरावृत्ति ना हो करके उस बात को हम दूसरे शब्दों में व्यक्त करें या कहें, ठीक है। मतलब बिल्कुल सेम उसी का उल्टा होता है, जैसे कृतवाच्य और कर्मवाच्य में हुआ था वैसे ही यहां पर भी उसी का उल्टा हो रहा है। यहां पर वक्ता के शब्दों को परोक्ष में हम सॉरी प्रत्यक्ष में क्या करते हैं, वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं, और परोक्ष में हम वक्ता के कथनों की पुनरावृत्ति ना करके दूसरे शब्दों में जब बात कहते हैं तो वहां पर परोक्ष कथन होता है, ठीक है। जैसे आप कुछ भी पढ़ते हैं लेकिन जब उसको व्यक्त करते हैं तो आपकी स्वयं की भाषा होती है, स्वयं की शैली होती है और स्वयं के शब्द होते हैं, ये हमारे परोक्ष कथन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आज इस वाक्य की चर्चा नामक विषय पर इतनी ही चर्चा करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।